नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से गले में पाइपिंग लगाना। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने गले में पाइपिंग लगानी है तो हमें क्या करना है, जो अस्तर वाला ब्लाउज है तो अस्तर के ऊपर साड़ी का कपड़ा और अस्तर दोनों को मिला के पहले हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको काट लेंगे अस्तर के बराबर। इस तरीके से आप लगाएंगे पाइपिंग तो एकदम बराबर आएगी पाइपिंग आपकी अच्छे से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगाई है गले के ऊपर और जो साड़ी का कपड़ा है वो नहीं काटा मैंने आपके लिए, कि आपको अच्छे से दिखाई भी देगा कि ये सिलाई लगी हुई है। और मैंने दूसरे कलर का भी कपड़ा लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि पाइपिंग कैसी बन रही है। ये देखिए, ये साड़ी का कपड़ा भी बचा है तो मैं उसकी भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ये दूसरे कलर का कपड़ा लिया है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली, पीछे की साइड भी सिलाई लगाई है। यहाँ पे देखो, ये पीछे की साइड भी सिलाई लगाई है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए, हम जैसे अगर हम पे छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उनको भी हमें तिरछा करना है, अगर हमारे पास बड़ा कपड़ा है तो उसको भी तिरछा करना है। अब देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया, अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको तिरछा कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको हम बीच में से काट लेंगे। काटने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कपड़े की चौड़ाई लेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच। अब देखिए, हमने 1.5 इंच की पट्टियाँ ले ली, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो देखिए, जोड़ने का तरीका है वो इस तरीके से है। इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे करके हमें जोड़ना है इस तरीके से। अच्छे से ध्यान से देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखना है हमें और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और भी मैंने आसान और सरल तरीके से पाइपिंग लगाना बताया है, तो आप चैनल में भी देख लें। वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, इसी तरीके से सारी पट्टियाँ जोड़ेंगे। और ये पाइपिंग लगाना मैं उन नए लोगों के लिए अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ, कि अगर आप कितने भी नए हैं तो भी इस तरीके से जैसे मैं बताऊंगी इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी पट्टी एकदम बराबर आएगी। क्योंकि मुझ पे पाइपिंग लगाना नहीं आता था तो मैं भी इसी तरीके से लगाती थी, कैसी भी बेकार पट्टी होगी वो भी अच्छी लगेगी। देखिए, इस तरीके से हम ये पट्टी को जोड़ लेंगे। ये पट्टियाँ सारी जुड़ गई हैं। अब यहाँ पे हम इसको बराबर करेंगे, कपड़े को बराबर कर लिया। अब हमें गले के ऊपर रखना है, यहाँ पे 1/2 इंच तो बाहर निकालेंगे। अब जब हम कपड़े को सिलाई लगाएंगे तो 1/2 इंच का कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगानी। और पट्टी को बस थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचेंगे, जो ब्लाउज है उसको नहीं खींचेंगे। देखिए, पट्टी को हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। अब ये पट्टी को दबाते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अंदर का जो कपड़ा है वो दबना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे 1/2 इंच का हमारा यहाँ पे चौड़ाई 1/2 इंच की होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से भी चौड़ाई ले सकते हैं, क्योंकि आप नए हैं तो इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको 1/2 इंच का ही लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगाई है और अंदर का कपड़ा देखिए दबना चाहिए। अब जो पट्टी का कपड़ा ज़्यादा है वो काट लेंगे, इसको काटना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। इससे क्या है, मुझे पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं।
तो देखिए इस तरीके से आप देखिए पूरा कपड़ा अंदर का जो था वो पट्टी में दब गया है, ये देखिए। अब दबने के बाद अब हम पाइपिंग बनाएंगे। जो आधा इंच यहाँ पे जो ज़्यादा था इसको हम ऐसे अंदर की साइड दबाएंगे, देखिए इस तरीके से बराबर। अब एक पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे और पाइपिंग के नीचे सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए हमारी पाइपिंग बनके तैयार है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कि जैसे मैं तो बना लेती हूँ तो मेरी तो पाइपिंग बराबर आई है, लेकिन अगर आपकी पाइपिंग उठी उठी सी है तो आप क्या करेंगे इसमें। ये देखिए मेरी पाइपिंग तो ये बराबर आई है, मैं अच्छे से यहाँ पे प्रेस भी लगा लूंगी, लेकिन अगर आपकी पाइपिंग उठी उठी है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो ये पट्टी है इसको दबाना है। तो एक सुई लेंगे हम और इस पे हमें आधा आधा इंच की दूरी से हमें इस पे ऐसे तुरपाई करनी है। नीचे से हमें थोड़ा सा ही कपड़ा लेना है, ये चमकना नहीं चाहिए यहाँ पे धागा। इससे क्या है कि कैसी भी पाइपिंग की जो पट्टी होती है उठी उठी होती है वो अच्छे से दब जाएगी इस तरीके से। और जब आप अच्छे से लगाना सीख जाएं, एक बार में तो नहीं आएगी पाइपिंग लगाना, एक बार में नहीं आएगा, आप सूती कपड़े पर लगाएं पहले। इससे क्या है एकदम दबी दबी हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से आप तुरपाई कर लें तो पाइपिंग एकदम बराबर आएगी। हमारी पाइपिंग लग के तैयार है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।